शिव समार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 10 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ मैं दोस्तों गुरु भाई। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई का जानदार जबरदस्त जिंदाबाद ला जवाब 10 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों तो वी हैव फर्स्ट करंट अफेयर ऑफ 10 दिसंबर 2021। तो दोस्तों, हाल ही में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में दोस्तों मनाया गया। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार से दूर रहने के बारे में जागरूकता एवं जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। तो दोस्तों, 2021 की भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की थीम क्या थी? योर राइट योर रूल से नो टू करप्शन। तो दोस्तों, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, 9 दिसंबर को ही नरसंहार के अपराध पीड़ितों के स्मरणोत्सव और सम्मान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, नरसंहार में जो भी पीड़ित हो गए उनके लिए एक स्मरणोत्सव, एक सम्मान, एक श्रद्धांजलि के रूप में यह दिन मनाते हैं। तो दोस्तों, 9 दिसंबर को ही नरसंहार के अपराध पीड़ितों का स्मरणोत्सव और सम्मान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, 9 दिसंबर को 2 दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, नरसंहार के अपराध पीड़ितों का स्मरणोत्सव और सम्मान दिवस के रूप में 9 दिसंबर को मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए इटली देश ने अमेजॉन पर 1.3 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों, अब तक यूरोप में अमेजॉन पर लगने वाला यह सबसे बड़ा जुर्माना है दोस्तों। तो दोस्तों, 1.3 बिलियन यूरो यानी कि करीब 966 करोड़ रुपए का जुर्माना अमेजॉन पर लगाया दोस्तों बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए इटली देश ने। तो दोस्तों, अमेजॉन कंपनी ने बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करते हुए ई कॉमर्स फील्ड में अपने प्रतिस्पर्धियों कॉम्पिटिटरों को नुकसान पहुंचाने का काम किया और दोस्तों, अमेजॉन का आचरण अप्रोच विशेष रूप से गंभीर था। तो दोस्तों, हाल ही में बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए इटली देश ने अमेजॉन पर 1.3 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है, मतलब लगभग 966 करोड़ का जुर्माना अमेजॉन पर लगाया है दोस्तों इटली। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में काजू वैली वेटलैंड्स को तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। तो दोस्तों, तमिलनाडु की 16वीं बर्ड सेंचुरी बनी काजू वैली वेटलैंड्स, यह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। और दोस्तों, पुलिकट झील के बाद काजू वैली वेटलैंड्स को दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों, यह अभयारण्य बंगाल की खाड़ी के पास में ही है। और दोस्तों, यह काजू वैली वेटलैंड्स अभयारण्य विल्लुपुरम जिले के 13 गाँवों को कवर करता है। तो दोस्तों, हाल ही में काजू वैली वेटलैंड्स को तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया देश ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए। तो दोस्तों, अमेरिका के साथ साथ कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया देश विंटर ओलंपिक्स बीजिंग 2022 के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चाइना में मानवाधिकार की जो स्थिति है यह कारण है दोस्तों राजनयिक बहिष्कार का। और दोस्तों, मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताओं के कारण से ऑस्ट्रेलिया देश भी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 में राजनयिक बहिष्कार करने की इच्छा जता दिया है दोस्तों। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के चीन के साथ हाल ही में संबंध भी कुछ अच्छे नहीं है, बिगड़ गए हैं। यह भी एक कारण हो सकता है कि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश ने विंटर ओलंपिक्स बीजिंग 2022 में राजनयिक बहिष्कार डाल दिया है दोस्तों। और दोस्तों, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के एथलीट्स तो पार्टिसिपेट करेंगे पर कोई ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो दोस्तों, यही होता है राजनयिक बहिष्कार कि आपके एथलीट्स तो पार्टिसिपेट करेंगे पर उनके उनके साथ जाने वाले ऑफिशियल्स कोई भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, हाल ही में कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में नंदी किशोर पुष्टरी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों, यह ओडिशा के फेमस शिक्षक है नंदी किशोर पुष्टरी जी का हाल ही में निधन हुआ और यह पद्मश्री से भी सम्मानित है दोस्तों। तो दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले एक ओडिशा के फेमस शिक्षक नंदी किशोर पुष्टरी जी का निधन हुआ है दोस्तों हाल ही में। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में फिंच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों, फिंच रेटिंग्स नामक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.4% रहने का अनुमान लगाया है। और दोस्तों, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने 9.4% रहने का अनुमान लगाया था, गोल्डमैन सैश ने 9.1% रहने का अनुमान लगाया था और दोस्तों, S&P रेटिंग्स ने 9.5% रहने का अनुमान लगाया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 फॉर द भारत की जीडीपी ग्रोथ। तो दोस्तों, हाल ही में फिंच रेटिंग्स ने
फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.4% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भाषा संगम नामक एक ऐप को लॉन्च किया। तो दोस्तों देश भर में कम से कम 75 लाख लोगों को अपनी मातृभाषा से मदर टंग के अलावा अन्य भाषा में बुनियादी बातचीत क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए भाषा संगम नामक ऐप यह लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भाषा संगम ऐप एक नया ऐप लॉन्च किया है। अपने शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी। तो दोस्तों लोगों को भाषा के बारे में जागरूकता, अपनी मदर टंग से अलावा दूसरी भाषा में जागरूकता एवं जानकारी देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने भाषा संगम नामक ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में मैकेंजी स्कॉट शीर्ष पर है दोस्तों। तो दोस्तों जेफ बेजोस की एक्स वाइफ मैकेंजी स्कॉट फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर है, टॉप पे है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर है कमला हैरिस जी, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। दोस्तों यह पहली इंडियन ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों यूएसए की। तो दोस्तों कमला हैरिस सेकंड नंबर पे है और अपनी फाइनेंस मिनिस्टर 37th रैंक पे है दोस्तों। और यह निर्मला सीतारमण जी 2020 में 41वीं थी और 2019 में 34वीं थी दोस्तों। तो दोस्तों निर्मला सीतारमण 2021 में 37th है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में मैकेंजी स्कॉट यानी कि जेफ बेजोस की एक्स वाइफ शीर्ष पर है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में यूएसए देश शीर्ष पर है। तो दोस्तों हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश टॉप पे है दोस्तों। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान है। तो दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स 2021 यह एशिया प्रशांत क्षेत्र के 26 देशों का इंडेक्स है दोस्तों। इसमें भारत देश चौथे नंबर पर है दोस्तों। तो दोस्तों भारत देश चौथे नंबर पर है इन मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया पावर इंडेक्स 2021। तो दोस्तों हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश शीर्ष पर है, टॉप पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रूपेश गोयल जी को यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है दोस्तों इन्होंने। तो दोस्तों आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट रूपेश गोयल जी ने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता। तो दोस्तों रूपेश गोयल जी के महत्वपूर्ण योगदान, यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग द इंडियन जियोइड मॉडल एंड कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों यह यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार यह अवार्ड 2011 से दिया जा रहा है। तो दोस्तों 35 साल से कम उम्र वाले साइंटिस्टों को प्रोत्साहन देने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। और दोस्तों यह 2021 का यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार रूपेश गोयल ने जीता, जिसको मेंबर ऑफ स्पेस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पूर्व इसरो चेयरमैन किरण कुमार जी ने रूपेश गोयल जी को यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रूपेश गोयल जी को यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु जी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में सिल्वर मेडल जीता। तो दोस्तों भारत की बैडमिंटन की स्टार आन बान शान पीवी सिंधु जी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक हासिल किया है। तो दोस्तों पीवी सिंधु जी फाइनल्स में जाकर हारी। तो दोस्तों साउथ कोरिया की एन सी यंग जी के सामने पीवी सिंधु जी 2 स्ट्रेट सेट्स में हार गई। तो 21-16 और 21-12 की मार्जिन से, जो कि एक 2 स्ट्रेट सेटों में पीवी सिंधु जी को हार मिली दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु जी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ओलाफ स्कोल्फ जी को जर्मनी देश के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि एंजेला मार्कल जी ने हाल ही में अपना इस्तीफा जारी किया था, इसी के चलते ओलाफ स्कोल्फ जी को जर्मनी देश के नए चांसलर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों इनसे पहले एंजेला मार्कल जी ने 16 साल तक जर्मनी के चांसलर के रूप में कार्यभार संभाला था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ओलाफ स्कोल्फ जी को जर्मनी देश के चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया, चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा जी के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलियन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले नीरज चोपड़ा जी को डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया, नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में किनारा कैपिटल्स ने अपने भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिकेटपटु रविंद्र जडेजा जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। और दोस्तों माय 11 सर्कल अपने भारतीय टीम के फास्ट गेंदबाज मोहम्मद सिराज जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों माय 11 सर्कल द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर एथलीट नीरज चोपड़ा जी को नियुक्त किया गया है, चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य के उच्च शिक्षा परिषद ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अकेडमी यानी कि NSE अकेडमी के साथ समझौता करने की घोषणा की है। तो दोस्तों कॉलेज के स्टूडेंट्स को वित्तीय जागरूकता एवं जानकारी प्रदान करने के लिए यह समझौता किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य के उच्च शिक्षा परिषद ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE अकेडमी के साथ समझौता करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन को लॉन्च किया। तो दोस्तों भारत में ई बस सेवाओं को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन को लॉन्च किया है दोस्तों, यानी कि ई बस सेवा में तेजी आने के लिए लाने के लिए। तो दोस्तों यह थे 10 दिसंबर। तो अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़े। तो दोस्तों 9 दिसंबर को अपन 2D दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और नरसंहार के अपराध पीड़ितों का स्मरणोत्सव और सम्मान दिवस भी 9 दिसंबर को ही मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग के लिए इटली देश ने अमेजोन पर 1.3 बिलियन यूरो यानी कि करीब करीब 966 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में काजुवेली वेटलैंड्स को तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी घोषित किया है। और दोस्तों हाल ही में कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया देश विंटर ओलंपिक्स बीजिंग 2022 के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए हैं अमेरिका के साथ साथ। और दोस्तों हाल ही में ओडिशा के फेमस शिक्षक पद्मश्री विजेता नंदीकिशोर पुष्टि जी का हाल ही में निधन हुआ। और हाल ही में फिंच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP ग्रोथ 8.4% रहने का अनुमान लगाया है। और दोस्तों हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भाषा संगम नामक ऐप को लॉन्च किया। और दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जेफ बेजोस की एक्स वाइफ मैकेंजी स्कॉट शीर्ष पे है, टॉप पे है। और दोस्तों हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश शीर्ष पे है, टॉप पे है। और दोस्तों IIT कानपुर के साइंटिस्ट रूपेश गोयल जी ने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारत की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु जी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक प्राप्त कर लिया, सिल्वर मेडल प्राप्त कर लिया। और दोस्तों हाल ही में ओलाफ स्कोल्फ जी को जर्मनी देश के चांसलर के रूप में चुना गया। और हाल ही में डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर एथलीट नीरज चोपड़ा जी को चुना गया। और दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य के उच्च शिक्षा परिषद ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE अकेडमी के साथ समझौता किया। और दोस्तों हाल ही में नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन को लॉन्च किया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 10 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।